लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे फंक्शंस की एक क्लास ढूंढी थी जो रिमांस डेगरेबल हैं और वो क्लास थी कंटिन्यूस फंक्शंस की कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो वो रिमांस टल्ज इंटैग्रेबल होता है और हमने कहा था अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो क्या वो रिमांस टल्ज होगा या नहीं होगा इसके बारे में हमारे पास कोई श्योटी नहीं है हमारे पास ऐसे फंक्शंस की क्लासेस भी मौजूद हैं जो कंटिन्यूस नहीं हैं लेकिन रिमांस जी हैं आज उन्हीं में से एक और क्लास की बात करने लगे हैं और वो क्लास है मानोटॉनिक फंक्शंस की अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी पर मानोटॉनिक हो और अल्फा जो है वो इंक्रीजिंग के साथ साथ कंटीन्यूस भी हो ये अल्फ़ा पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग गई है अल्फा आमतौर पे सिर्फ इंक्रीजिंग लिया जाता है लेकिन अगर फंक्शन मोनोटॉनिक हो तो फिर वो रिमांस इंटेग्रेबल होगा अगर अल्फा इंक्रीजिंग के साथ साथ कॉन्टीन्यूस भी हो ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करने लगे हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और थ्योरम यही है कि अगर हमारे पास एफ़ जो है वो मोनोटॉनिक है अल्फा कॉन्टीन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग तो होता ही है यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन अल्फा के बारे में है कि अल्फा कंटीन्यूस भी है तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो एफ़ है वो रिमांस टैगरेबल होगा एफ़ रिमांस टल्जन टैगरेबल होगा अगर मानोटानिक हो और जिस अल्फा के रिस्पेक्ट से हम उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अल्फ़ा मानोटानिक इंक्रीजिंग के साथ साथ कंटीन्यूस भी हो हमने प्रूव ये करना है कि एफ रिमांस टल्जन टैगरेबल है और हमारे टूल बॉक्स में दो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी फंक्शन को रिमांस रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं याद है कौन से एक डेफिनेशन और दूसरा काशी क्राइटेरिया और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे काशी क्राइटेरिया का अगर हमने प्रूव ये करना है कि एक फंक्शन जो है वो रिमांस रिजल्ट है तो हम कोई सा पॉजिटिव एप्सलान लेकर एक पार्टीशन पी ढूंढेंगे कि जिसके लिए यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा एप्सलान से लेस आ जाए और हर एप्सलान की दफ़ा हम ऐसी पार्टीशन ढूंढेंगे अगर हम ऐसा ढूंढने में कामयाब हो गए तो एफ़ हमारा रिमांस रिजल्ट होगा प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ज़रा प्रूफ का आइडिया ले, ले लेते हैं फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पार्टीशन है x नाट से लेकर x n तक हम इस पार्टीशन के लिए ऐसा एप्सलॉन ढूंढना चाहते हैं कि यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा एप्सलॉन से लेस है। हमें याद है यू पी एफ एल्फा जो है वो समिशन कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई के इक्वल होता है जहाँ पे एम आई जो है वो सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई और जो एल पी एफ एल्फ़ा है वो स्मिशन स्मॉल एम आई डेल्टा आई के इक्वल होता है जहाँ पे स्मॉल एम आई जो है वो एफ़ की वैल्यूज़ का इन्फीम है अगर एफ़ की वैल्यूज़ आप आइए सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के दरमियान लें और अगर हम इसके लिए यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा कैलकुलेट करें तो माइनस करने पे डेल्टा एल्फाई कामन आ जाता है और समिशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एल्फाई इस नंबर को हमने एप्सलॉन से लेस शो करना है ऐसी पार्टीशन ढूंढनी है उसके लिए हम पहले इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं कि हमारा अल्फा जो है वो कंटिन्यूस है और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर तो उस फंक्शन की जो रेंज है वो भी एक क्लोज इंटरवल ही हुआ करती है से अल्फ़ा से बीटा जहाँ पे अल्फ़ा उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है और बीटा उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो है उसके बारे में गिवन ये है कि अल्फ़ा हमारे पास ए बी से आर के ऊपर कंटीन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है अगर कंटीन्यूस है तो इसकी रेंज जो है अल्फा की वो हमारे पास एक क्लोज इंटरवल होगी उस क्लोज इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी और उस क्लोज इंटरवल का लास्ट पॉइंट अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी और, हो और चूंकि अल्फा हमारे पास इंक्रीज है तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू डोमेन के सबसे बड़े पॉइंट पर आएगी, यानी अल्फा अल्फा बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी की। और जो अल्फा की, की, की हमारे पास रेंज है वो एक क्लोज इंटरवल है वो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक का क्लोज इंटरवल है हमने ढूंढनी है एक पार्टीशन वो जो पार्टीशन हम ढूंढेंगे वो इस अल्फ़ा की रेंज की मदद से ढूंढेंगे। अल्फा की रेंज एक क्लोज़ इंटरवल है अल्फा की रेंज अगर ये क्लोज़ इंटरवल है तो इस क्लोज़ इंटरवल का हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी ए बी के पॉइंट की इमेज बनेगा हम इस क्लोज़ इंटरवल को अगर एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें ये जो अल्फ़ा की रेंज है इस क्लोज़ इंटरवल की लेंथ जो है वो ऑफ बी माइनस ऑफ ए है अगर हम इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें कैसे एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम इस तरह से एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि हर पार्ट की जो लेंथ है वो अल्फ़ाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन हो हमारे पास जो रेंज है वो अल्फ़ाफ ए से लेकर अल्फाफ बी तक है हम चाहते हैं कि इस रेंज को एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसके लिए हमने इसकी लेंथ मालूम की वो अल्फ़ाफ बी माइनस एल्फाफ ए आई उस लेंथ को हमने एन से डिवाइड किया और इसका नाम हमने फ़र्ज़ करें इस पर डेल्टा अल्फा आई रख दिया पहला पॉइंट अल्फा ए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस रेंज में लें अल्फा ए में डेल्टा अल्फा अल्फाई ऐड करके उससे नेक्स्ट पॉइंट लें हम इसमें टू डेल्टा अल्फा अल्फाई ऐड करके और जब अल्फा ए में एन डेल्टा अल्फाई ऐड करेंगे तो डेल्टा अल्फाई चूँकि अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन है तो ये अल्फाफ़ बी के इक्वल आ जाएगा तो ये जो रेंज है अल्फा ए से लेकर अल्फा बी तक इसको मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिया है कि उसका प्रीवियस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो डेल्टा अल्फा ई के इक्वल है जिसको मैंने अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन लिया है ये सारे पॉइंट्स रेंज में हैं ये जो सारे पॉइंट्स रेंज में हैं ये किसी ना किसी डोमेन के पॉइंट की इमेज बन रहे हैं और ए की इमेज अल्फाफ ए है बी की इमेज अल्फाफ बी है और ये जो अल्फाफ ए प्लस डेल्टा अल्फाई है ये किस पॉइंट की इमेज है ये किसी ना किसी पॉइंट की इमेज है ये जिसकी इमेज है उसे हम एक्स वन कह रहे हैं और इसी तरह से अल्फाफ ए प्लस टू डेल्टा अल्फाई जो है ये ए बी में से किसी ना किसी पॉइंट की इमेज है ये जिसकी इमेज है हम उसको एक्स टू कह रहे हैं तो एक्स नाट एक्स वन एक्स टू सो वन एक्स एन मेरे पास एक पार्टीशन बन रही है ए बी की इस पार्टीशन के कॉरस्पिंग जब भी मैं डेल्टा अल्फा आई कैलकुलेट करता हूँ तो वह अल्फाफ बी माइनस अल्फा ए ओवर एन आता है अगर ये अल्फाफ़ बी माइनस अल्फा ए ओवर एन आता है तो इस यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा में से डेल्टा अल्फा आई की जगह अल्फाफ बी माइनस अल्फा ए ओवर एन लिख कर इसको समीशन से बाहर लिया जा सकता है और उसके बाद कैलकुलेट करना है मुझे समीशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई आई फ्रॉम वन टू एन ये जब हम कैलकुलेट करेंगे दो केसेस में हमारे पास फंक्शन एफ मानोटॉनिक है अगर एफ मानोटॉनिक इंक्रीजिंग हुआ तो सुमिशन एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो है ये किसके इक्वल बन जाएगा एम आई जो है आइए सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और चूँकि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है और आइए सब इंटरवल जो है वो मेरे पास एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक का है इसमें एक्स आई सबसे बड़ा पॉइंट है इसके ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है यानी कैपिटल एम आई जो है वो एफ आफ एक्स आई के इक्वल है स्मॉल एम आई जो मिनिमम वैल्यू है वो इंटरवल के सबसे छोटे पॉइंट के ऊपर है वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन के इक्वल है जब हम इस सम को कैलकुलेट करें सिंपलीफाई करें अभी हम थोड़ी देर में करेंगे तो हमारे पास आंसर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा और ऐसी सूरत में ये जो मेरे पास यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा है जो कि इक्वल है समिशन एम आई माइनस एम आई इंटू डेल्टा एल्फ आई के इसमें डेल्टा एल्फाई जो है वो एल्फाफ बी माइनस ए ओवर एन है और समिशन एम आई माइनस एम आई जो है वो एफ आफ बी माइनस एफ ए है बेसिकली हम इस नंबर को एप्सलान से छोटा करना चाहते हैं अगर हम इस नंबर को एप्सलान से छोटा करना चाहते हैं तो हम ढूंढेंगे एक एन और उस एन के कॉरस्पांडिंग हम बनाएंगे पार्टीशन अल्फा ए से अल्फा बी तक की जिसके कॉरस्पांडिंगली हमें मिलेगी पार्टीशन ए से बी तक की और वही पार्टीशन ऐसी होगी जिसके लिए यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो एफ्सलान से छोटा आ जाए हम ढूंढेंगे ऐसा एन के अल्फा बी माइनस एल्फाफ एफ एफ है माइनसॉन से छोटा हो हर की दफा हम ऐसा एन ढूंढते जाएंगे हमें पार्टीशन मिलती चली जाएगी और अगर फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो सूरत में स्मिशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल कैपिटल एम आई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो सबसे छोटे नंबर पर होगी डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन डिक्रीज हो रहा है सबसे छोटे नंबर पे आंसर सबसे बड़ा आ रहा है सबसे बड़े नंबर पे आंसर सबसे छोटा आ रहा है तो जो सबसे बड़ा नंबर एम आई है वो सबसे छोटे नंबर एक्स आई माइनस वन का आंसर होगा यानी कैपिटल एम आई जो है वो एफ आफ एक्स आई माइनस वन होगा और समान एम आई जो है वो एफ आफ एक्स आई होगा और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एफ आफ ए माइनस एफ आफ बी आंसर आएगा और ऐसी सूरत में यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा जो है वो बन जाएगा डेल्टा एल्फाई की जगह एल्फ आफ बी माइनस ए और इस सारी समिशन की जगह एफ आफ ए माइनस एफ बी और हम ढूँढेंगे इस डिक्रीजिंग के केस में ऐसा एन के अल्फा ऑफ बी माइनस एल्फाफ एफ आफ ए माइनस एफ एफ बी ओवर एन एप्सिलॉन से छोटा हो अगर हमने ऐसा एन ढूंढ लिया तो उस एन की मदद से हम एल्फाफ ए से एल्फाफ बी की पार्टीशन बनाएंगे और उस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगी एक ऐसी पार्टीशन जिसके लिए हम प्रूफ कर पाएंगे कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा एप्सलॉन से लेस है ये प्रूफ का आइडिया है इस आइडिए का यूज़ करते हैं और प्रूफ स्टार्ट करते हैं प्रूफ हमने करना है विद द हेल्प ऑफ काशी क्राइटेरिया हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है और ऐसी पार्टीशन ढूंढनी है कि यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ से लेस आए प्रूफ हम कर रहे हैं दो केसेस में केस वन अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो मानोटानिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो मानोटानिक इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है हर बड़े नंबर का आंसर छोटे नंबर के आंसर से ग्रेटर आर इक्वल हो हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सलॉन ले लिया और याद करें हमने क्या प्रूफ करना है हमने मानोटॉनिक के इंक्रीजिंग के केस में एक ऐसा नेचुरल नंबर एन ढूंढना है कि एल्फाफ बी माइनस एल्फाफ ए इंटू एफ आफ बी माइनस एफ आफ ओवर एन एप्सलॉन से छोटा है क्या ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं हाँ अगर मैं ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ लूँ कि एल्फाफ बी माइनस एल्फाफ एंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ओवर एप्सलॉन उस नेचुरल नंबर से छोटा हो तो फिर एल्फाफ बी माइनस अल्फा ओवर एन इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एप्सलॉन से छोटा हो जाएगा और क्या ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है हमने आशीन प्रॉपर्टी की मदद से लास्ट लेक्चर में प्रूव ये किया था कि किसी भी रियल नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है तो अगर हम रियल नंबर ले लें अल्फा अल्फ़ाफ बी माइनस अल्फ़ाफे इन टू एफ़ आफ बी माइनस एफाफे ओवर एप्सलॉन तो आशिमद्दीन प्रॉपर्टी की मदद से आप एक ऐसा नेचुरल नंबर एन ढूंढ सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर इस नंबर से बड़ा हो यानी एन ग्रेटर हो अल्फा अल्फ़ाफ बी माइनस अल्फ़ाफे हो इंटू एफ आफ बी माइनस एफाफे ओवर एप्सलॉन और यहाँ से एन को लेफ्ट पर और एफ्सलॉन को राइट right पर शिफ्ट कर लें तो अल्फा बी माइनस एल्फाफे इंटू एफ आफ बी माइनस एफ आवर एन जो है वो एप्सलॉन से छोटा है एन हमने ढूंढ लिया है कैसा एन ढूंढ लिया है ऐसा एन ढूंढ लिया है कि ये नंबर एप्सलॉन से लेस है अब इस एन की मदद से हमने पार्टीशन बनानी है किसकी ए बी के ऊपर अल्फा ऑपरेट करके जो उसकी रेंज है उसकी पार्टीशन बनानी है और उसकी पार्टीशन की मदद से हमने ए बी की पार्टीशन ढूंढनी है वही सारी बातें जो हमने प्रूफ के आइडिया में नोट की थी उनको यहाँ लिखने लगे हैं क्योंकि अल्फा कंटिन्यूस है और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है इसलिए अल्फा ए बी यानी जो रेंज है वो अल्फा ए से लेकर अल्फा बी तक है और अगर हम कौन से पॉइंट्स लें अगर हम पॉइंट लें अल्फाफ ए में अल्फाफ बी माइनस अल्फा अल्फाफ ओवर एन को के टाइम्स एड करके जैसे हमने कहा था अल्फाफ ए में इसको अगर हम डेल्टा अल्फा अल्फाई रखें तो वन डेल्टा अल्फाई ऐड करके टू डेल्टा अल्फाई ऐड करके और सो so वन ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मौजूद हैं किस में इस फंक्शन की रेंज में यानी अल्फाफ ए से लेकर अल्फाफ बी के दरमियान अगर ये सारे पॉइंट्स इस रेंज में मौजूद हैं तो ये किसी ना किसी ए बी के एलिमेंट की इमेज बनेंगे ये जो पॉइंट हमने लिया है अल्फाफ ए प्लस के अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन वो के की वैल्यू ज़ीरो के लिए अल्फा ऑफ ए बन जाएगा के की वैल्यू वन के लिए अल्फा ए प्लस अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ए ओवर एन बन जाएगा और के की वैल्यू एन के लिए वो अल्फा बी बन जाएगा यानी इसकी जो रेंज है हमारे पास ए बी की अल्फा के अंडर यानी अल्फा ए से अल्फा बी तक उसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसमें एन प्लस वन पॉइंट्स ले रहे हैं इनमें से हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी ए बी के पॉइंट की इमेज बनेगा ए बी के जिस पॉइंट की इमेज बनेगा उसको हमने एक्स के कह लिया है यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स के जो है वो इस नंबर के इक्वल है जब हम अल्फा ऑफ एक्स नॉट मालूम करेंगे तो वो अल्फ़ा ऑफ ए के इक्वल आएगा यानी एक्स नॉट हमारे पास ए होगा जब हम अल्फाफ एक्स एन मालूम करेंगे तो वो अल्फाफ बी के इक्वल आएगा यानी एक्स एन जो है वह हमारे पास बी होगा और इसी तरह से दरमियान में एक्स वन एक्स टू सो वन पॉइंट्स आते चले जाएंगे ये सारे पॉइंट्स जो हैं जिनमें एक्स नाट ए है एक्स वन एक्स टू सो वन एक्स एन माइनस वन एक्स एन और बी ये पार्टीशन है ए बी की और ए बी की इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जब भी हम डेल्टा अल्फ़ाई कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन के इक्वल आता है हमने खुद ही हर दफ़ा अल्फाफ ए में क्या ऐड किया है अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन टाइम्स के तो ऑब्वियसली हर सब इंटरवल के लिए डेल्टा अल्फा आई जो है वो अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन के इक्वल आएगा हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं डेल्टा अल्फा आई जो है आयत सब इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है तो वो अल्फाफ़ एक्स माइनस एल्फाफ एक्स आई माइनस वन है अल्फाफ एक्स आई जो है यहाँ पर आई लिख लें वो अल्फ़ाफ ए प्लस आई टाइम्स अल्फाफ बी माइनस ए ओवर एन है और माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन कैलकुलेट करें तो यहाँ के एक ही जगह आई माइनस वन लिख लें जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा ए दोनों में से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से अल्फ़ाफ बी माइनस अल्फाफ ए कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा i माइनस आई माइनस वन और डिनोमिनेटर का n इसको माइनस करने पे आई कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस वन हो जाएगा और मेरे पास डेल्टा जो है अल्फाफ बी माइनस अल्फाफे ओवर एन आ रहा है आई की वैल्यू वन टू से लेकर एन तक ऐसी पार्टीशन हमने बनाई है अल्फाफ ए अल्फाफ बी यानी अल्फाफ ए बी की यानी ए बी की रेंज की जब उस पर अल्फा ऑपरेट हो रहा है कि जिस पार्टीशन के लिए डेल्टा अल्फा अल्फाई जो है वो हमेशा एल्फाफ बी माइनस अल्फाफे ओवर एन है और इस पार्टीशन के कारस्पांडिंग हमें ए बी की एक पार्टीशन मिली है एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक ये जो हमें ए बी की पार्टीशन मिली है यही हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगी जिसके लिए यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा एप्सलॉन से लेस आएगा अब हम इस पार्टीशन के कॉरस्पांडिंग यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा को कैलकुलेट करते हैं याद रहे हम वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें एफ हमारे पास मानोटॉनिक इंक्रीजिंग है हमें मालूम है कि जो कैपिटल एम आई है वो एफ एफ एक्स का supremum है जब एक्स एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक लिए जाएं और स्मॉल एम आई जो है वो infimum है एफ आफ एक्स का जब एक्स जो है वो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के दरमियान लिए जाएं और फंक्शन इंक्रीजिंग है फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब है छोटे नंबर पे छोटा आंसर और बड़े नंबर पे बड़ा आंसर इसका मतलब है जो कैपिटल एम आई है हमारे पास वो सबसे बड़े नंबर एक्स आई का आंसर होगा यानी कैपिटल एम आई जो है वो एफ एफ एक्स आई के इक्वल होगा और जो स्मॉल एम आई है वो सबसे छोटे नंबर का आंसर होगा एक्स आई माइनस वन का आंसर होगा यानी स्मॉल एम आई एफ आफ एक्स आई माइनस वन के इक्वल होगा हमने कैलकुलेट करना है किसको हमने कैलकुलेट करना है यू पी एफ़ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ़ अल्फ़ा को जिसमें यू पी एफ अल्फा जो है वो है समिशन कैपिटल एम आई डेल्टा आई और एल पी एफ अल्फा है माइनस मिशन एम आई डेल्टा आई इन दोनों में से अगर हम डेल्टा आई कामन ले लें समीशन ऑफ़ कैपिटल एम आई माइनस एम आई इन टू डेल्टा अल्फाई और याद रहे डेल्टा आई जो है वो अल्फ़ाफ बी माइनस अल्फा अल्फाफ ओवर एन के इक्वल है यहाँ डेल्टा एल्फाई की जगह अगर हम अल्फा बी माइनस अल्फा फे ओवर एन लिख लें और कैपिटल एम आई जो है वो एफ आफ एक्स आई है और स्मॉल एम आई जो है वो एफ आफ एक्स आई माइनस वन है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी स्मिशन आई फ्राम वन टू एन एफ आफ एक्स आई माइनस एफ आफ एक्स आई माइनस वन इन टू एल्फाफ बी माइनस अल्फा फे ओवर एन अगर हम इसमें से अल्फा ऑफ़ बी माइनस अल्फा एल्फाफे ओवर एन बाहर ले लें स्मीशन से तो स्मिशन रह जाएगी एफ आफ एक्स आई माइनस एफ आफ एक्स आई माइनस वन ये समिशन कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट करने लगे हैं समिशन एफ आफ एक्स आई माइनस एफ आफ एक्स आई माइनस वन आई वन से लेकर एन तक आई को वन लेंगे तो ये बनेगा एफ आफ एक्स वन माइनस एफ आफ एक्स नाट आई को टू लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगी एफ एफ एक्स टू माइनस एफ आफ एक्स वन आई को थ्री लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगी एफ एफ एक्स थ्री माइनस एफ आफ एक्स टू सो वन अगर आई को एन माइनस वन लेंगे तो वो एफ आफ एक्स एन माइनस वन और एफ आफ एक्स एन माइनस टू बनेगा और लास्ट में जब आई को एन लेंगे तो वो एफ आफ एक्स एन माइनस वन बनेगा इन सब को ऐड करते हैं एफ आफ एक्स वन प्लस का और एफ एफ एक्स वन माइनस का कैंसिल हो गए एफ एफ एक्स टू प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए एक्स थ्री यहाँ नेक्स्ट माइनस के एफ एफ एक्स थ्री से कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे एफ एफ एक्स एन माइनस टू जो है ये प्रीवियस एफ एफ एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा ये एफ आफ एक्स माइनस वन इससे कैंसिल हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके रह गई एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ एक्स नाट और याद रहे एक्स नाट क्या है ए एक्सन क्या है बी यानी ये एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए के इक्वल आ गई तो समिशन एफ एफ एक्स आई माइनस एफ आफ एक्स आई माइनस वन आई फ्रॉम वन टू एन जो है वो एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए है इस सारी स्पीशन की जगह यहाँ हम एफ एफ बी माइनस एफ ए लिख लेते हैं हमारे पास जो यू पी एफ माइनस एल पी एफ एल्फा है वो इक्वल आ गया है एल्फा एफ बी माइनस एल्फा एफ ए इंटू एफ एफ बी माइनस एफ ए ओवर एन के और याद करें हमने एन कैसा चूज किया था हमने एन ऐसा चूज किया था कि ये एक्सप्रेशन एप्सलॉन से लेस हो तो अगर ये एक्सप्रेशन एफ्सलान से लेस है तो प्रूव हो गया कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा से लेस है हमने कोई सा पॉजिटिव नंबर एफ्सलान लिया था हमने एक ऐसा नंबर एन चूज़ किया कि एल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फा एन टू एफ आफ बी माइनस एफ आफ ओवर एन एफ्सलान से लेस हो और उस नंबर एन की मदद से हमने ए बी की अल्फ़ा के अंदर जो रेंज आ रही थी उसकी पार्टीशन बनाई उसकी पार्टीशन के कारस्पांडिंग हमें एक ए बी की पार्टीशन मिली और ए बी की उस पार्टीशन पी के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ से लेस है क्या यही प्रूव करना चाहते थे जी बिल्कुल यही प्रूव करना चाहते थे और काशी क्राइटेरिया की मदद से प्रूव हो गया कि एफ़ जो है वो रिमांस एग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन द इंटरवल ए बी हमें फंक्शन एफ दिया हुआ था जो मोनोटॉनिक था और हमें दिया हुआ था कि अल्फा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ कंटिन्यूस भी है हमने एफ़ को मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग लेते हुए प्रूव कर लिया है कि एफ़ इंटेग्रेबल है और अभी हमने दूसरे केस में भी प्रूव करना है कि अगर एफ़ मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो तो भी एफ़ जो है रिमांसटेजेगरेबल होगा क्योंकि थ्योरम में मानोटानिक के लिए करना था तो अब दूसरा केस स्टार्ट करते हैं और सपोज़ कर रहे हैं कि हमें एफ़ जो है वो मानोटानिक डिक्रीजिंग दिया हुआ है बिल्कुल सारी सेम कैलकुलेशंस हैं मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाऊँगा ज़्यादा नहीं समझाऊँगा सिर्फ फ़र्क आएगा एफ़ की वैल्यूज़ में जब हम समिशन एफ एफ एक्स आई माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस वन को कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या प्रोसेस है हमने जब प्रूफ का आइडिया लिया था तो डिक्रीजिंग के केस में हमने कहा था कि ऐसा एन ढूंढेंगे कि एल्फाफ बाइनस एल्फाफ ए इन एफ ऑफ़ ए माइनस एफ ऑफ़ बी ओवर एन एफ्सलान से छोटा है किसी भी अफ्सलान के लिए हम ले रहे हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सलॉन और हम ऐसा एन ढूंढना चाहते हैं कि ये एप्सलॉन से छोटा है उसके लिए हम बात करेंगे एल्फाफ बी माइनस एल्फाफे इंटू एफ आफ ए माइनस एफ आफ बी ओवर एप्सलॉन की ये हमारे पास कोई सा रियल नंबर है और हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मौजूद होता है तो आशी मदिन प्रॉपर्टी से हमारे पास एक नेचुरल नंबर एन मौजूद है कि अल्फ़ाफ बी माइनस एल्फाफ़ इंटू एफ आइनस एफ आफ बी ओवर एप्सलॉन एन से छोटा है एन को इधर और एफ्सलॉन को इधर ले जाएं तो अल्फा बी माइनस एल्फाफ ए इंटू एफ ए माइनस एफ आफ बी ओवर एन एफ्सलॉन से छोटा है ये जो एन हमें मिला है इसी एन की मदद से हम जो ए की अंडर अल्फ़ा रेंज है उस रेंज की पार्टीशन बना रहे हैं और उस पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग हमें ए बी की पार्टीशन मिलेगी अल्फा चूँकि कंटिन्यूस है और अल्फा चूँके मानोटॉनिक इंक्रीजिंग है इसलिए हमारे पास जो है इसकी जो रेंज है ऑफ ए बी वो ऑफ ए से ऑफ बी वाले क्लोज इंटरवल के इक्वल है और जैसा हमने कहा कि ये जो ऑफ ए से ऑफ बी तक का इंटरवल है अगर हम इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर पार्ट का फ़ासला पिछले पार्ट से डेल्टा अल्फ़ा आई यानी ऑफ बी माइनस ए ओवर एन के इक्ल लें तो ऐसी सूरत में हमारे पास पार्टीशन मिल रही है ए बी की कि एक्स नाट की इमेज ऑफ ए है एक्स वन की इमेज अल्फा ए प्लस डेल्टा अल्फा आई है एक्स टू की इमेज अल्फा ए प्लस टू डेल्टा अल्फा अल्फाई है और ये जो हमारे पास पार्टीशन है ए बी की इस पार्टीशन ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा अल्फा अल्फाई है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास जब भी पॉइंट लेते हैं अल्फाफ ए प्लस के टाइम्स अल्फाफ बी माइनस अल्फाफ ओवर एन अल्फा ऑफ ए बी में से यानी ए बी की अंडर अल्फा जो रेंज है तो हमें मिल जाता है एक पॉइंट ए बी क्लोज इंटरवल में एक्स के अल्फा ऑफ एक्स के इसके इक्वल है और हमें इसकी से पार्टीशन मिल रही है ए बी की इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ही जो है वो हमेशा अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए वो रन के इक्वल है ये वही सारी बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं मैंने दोबारा दोहरा दी हैं और हमें याद है कि कैपिटल एम आई जो है वो एफ़ के सुप्रीमम के इक्वल और स्मॉल एम आई जो है वो एफ़ के इनफीम के इक्वल होता है और यहाँ पे हमारे पास जो कि फंक्शन जो है वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो जो एम आई है यानी मैक्सिमम वैल्यू वो छोटे नंबर पे आएगी कैपिटल एम आई जो है वो छोटे नंबर एक्स आई के ऊपर एफ़ की वैल्यू होगी और जो छोटी वैल्यू स्मॉल एम आई है वो सबसे बड़े नंबर एक्स आई के ऊपर आएगी एफ आफ एक्स आई एम आई के इक्वल होगा बस यही चेंज है बाकी सारी कैलकुलेशंस प्रीवियस केस की तरह से ही हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा जो कि समिशन एम आई डेल्टा एल्फ आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फ आई है डेल्टा एल्फ आई कॉमन ले लें और कैपिटल एम आई इक्वल है एफ आफ एक्स आई माइनस वन के और स्मॉल एम आई इक्वल है एफ आफ एक्स आई के और हमारे पास डेल्टा अल्फा अल्फ़ाई किसके इक्वल है अल्फ़ा बी माइनस अल्फा फे ओवर एन के ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लें अल्फा बी माइनस अल्फ़ा फे ओवर एन को बीच में से कॉमन ले लें बाकी रह गए इस मिशन एफ आफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ आफ एक्स आई इस मिशन को कैलकुलेट करते हैं जब हम इस मिशन को कैलकुलेट करें आई को ज़ीरो लें फिर आई को वन लें आई को टू लें सो वन सम करते चले जाएं आई को एन माइनस वन लें और लास्ट में आई को एन लें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से एफ आफ एक्स वन कैंसिल हो रहा है एफ एफ एक्स टू कैंसिल हो रहा है और हमारे पास इस कैंसिलेशन के बाद फाइनली हमारे पास बच रहा है एफ आफ एक्स नाट माइनस एफ आफ एक्स एन और एक्स नाट चूँकि ए के इक्वल और एक्स एन चूँकि बी के इक्वल है तो एफ आफ ए माइनस एफ एफ बी इस सारे सम की जगह हम यहाँ पे एफ एफ ए माइनस एफ एफ बी ले रहे हैं यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा इस नंबर के इक्वल बना है हमने ऐसी पार्टीशन बनाई है और ये नंबर के लिए हमने पहले ही एन ऐसा ढूंढा था कि ये सारा नंबर एफ्सलान से छोटा हो यानी हमने प्रूव कर लिया है कि जो यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा है वो एफ्सलान से लेस है और काम ख़त्म हो गया क्या नतीजा निकल आया काशी क्राइटेरिया के मद से नतीजा निकल आया कैफ़ जो है वो रिमांस चिल्ड्रेन है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन द इंटरवल ए बी आइंदा से याद रहे कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हो f और वो मोनोटॉनिक हो और जिस अल्फा के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन करनी है वो अल्फ़ा इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस हो तो फिर f जो है रिमांस रेज इंटेग्रेबल होता है अब हमारे पास दो क्लासेस मौजूद हैं ऐसे फंक्शंस की जो रिमांस इंटेग्रेबल हैं जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो रिमांसटेजेंटैग्रेबल है या नहीं तो चेक करें क्या वो इन दो क्लासेस में से किसी क्लास में मौजूद है पहली क्लास के फंक्शन कंटिन्यूस है हाँ अगर कंटिन्यूस है तो कह दें वो रिमांसटेजेंटैगरेबल है दूसरी क्लास अगर वो फ़र्ज करें कंटिन्यूस नहीं है तो चेक करें क्या वो मानोटॉनिक है चाहे वो मानोटॉनिक हो इंक्रीजिंग और चाहे हो वो मानोटॉनिक डिक्रीजिंग अगर है तो साथ में दूसरी कंडीशन चेक करें कि क्या अल्फा कंटिन्यूस है अगर ऐसा है तो भी वो फंक्शन रिमांस टलिजेंट एग्रेबल है लेकिन दिया गया फंक्शन अगर इन दोनों क्लासेस में मौजूद नहीं है तो फिर क्या वो रिमांस टलिजेंट एग्रेबल होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है ऐसी सूरत में हम कुछ और तरीका सोचेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद ऐसी क्लासेस ढूंढने की कोशिश करेंगे जो रिमांस रिजन फ़ंक्शंस हैं आज के लेक्चर में इतना ही